ग्रुप का ऑर्डर है 72, ठीक है। सो दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72 हैव ए प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। तो कैसे करेंगे, क्या मतलब आपको शो करना होगा इसमें, अगर ये आपको पूछ रहा है हमें शो करना है तो आप क्या शो करेंगे, बस आप ये शो कर दो, बस इंट्स में यही है बाई पी एस एस सी इज यूनिक दिखा दो। पी एस एस सी होगा तो वो ऑलवेज नॉन ट्रिवियल प्रॉपर हो जाएगा, जैसे ही पी एस एस सी यूनिक आ जाएगा आप बोल दोगे यूनिक मतलब ये नॉर्मल है। सिलो थियरम है, वो तो ये नहीं कहता कि भाई ये जेड 72 के लिए या किसी डीएडल ग्रुप के लिए या इसके लिए, वो तो सबके लिए बोलता है। तो जैसे ही आ गया तो हम बोल देंगे भाई कोई भी ग्रुप हो अगर 72 ऑर्डर का तो उसके पास पक्का नॉन पक्का जो भी पी एस एस जी का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का प्रॉपर नॉर्मल नॉन ट्रिबियल सब ग्रुप होगा। ये क्या दो बार नॉर्मल क्यों आ गया, प्रॉपर नॉर्मल नॉन ट्रिबियल सब ग्रुप, ठीक है ये कर लेंगे, बहुत इजी है। फोर्थ देखो, फोर्थ इफ ग्रुप का ऑर्डर है 15 देन शो दैट जी इज साइक्लिक। ग्रुप का ऑर्डर है 15 तो हमें शो करना है ये जो जी होगा वो साइक्लिक होगा, ठीक है। सो इसको शो करने के लिए देखो, एक मैं पी इंटू क्यू बिकॉज ऑर्डर ऑफ जी जो है वो कैसा है 15 है विच इज 3 × 5 टाइप का है। तो 3 × 5 ये मैं अगर ग्रुप का ऑर्डर पी इंटू क्यू फॉर्मेट का है तो वो अगर साइक्लिक है सॉरी वो ग्रुप का ऑर्डर है पी इंटू क्यू टाइप का, अगर मैं ये शो कर पा रहा हूँ ये जो जी जो है वो मेरा साइक्लिक है तो आप आराम से ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 है तो 15 ऑर्डर का जो ग्रुप है उसको भी साइक्लिक इजीली फाइंड आउट दिखा सकते हो, है ना। तो मैं एक्चुअली ये पर्टिकुलर केस नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल केस कर रहा हूँ, है ना, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू यानी, और उसी के रेफरेंस से आप डायरेक्ट बोल दोगे ये जो होगा साइक्लिक होगा। ऑफकोर्स अगर आपको प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन आता है भाई ग्रुप का ऑर्डर 15 है तो आप दिखाओ जी साइक्लिक, तो जो मैं पी क्यू का जो प्रूफ कर रहा हूँ उसी के थ्रू आपको जाके इसका प्रूफ करना होगा, डायरेक्ट उसका रेफरेंस लेके नहीं होगा, ठीक है। तो थियरम ऑफकोर्स दिस इज द थियरम 24.6 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू ऑफकोर्स पी क्यू आर द डिस्टिंक्ट प्राइम, या मैं ऐसे लिख रहा हूं P is less than Q and P, Q are primes. तो less than कह दिया, it means distinct हो गई है. And here P does not divide Q minus 1. ये बड़ा important information है cyclic होने के लिए, है ना। तो P जो है Q minus 1 को divide नहीं करेगा, then तब हम कहेंगे G is cyclic. ठीक, G is cyclic. In particularly अगर z साइक्लिक हो गया तो हम ये कह सकते हैं ना ये z जो होगा z p q के आइसोमॉर्फिक हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से हम पहले इसको प्रूफ करेंगे और देखो इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, देखो ग्रुप का ऑर्डर है 15, p आपका 3 हो गया, यहाँ पे q आपका 5 हो गया, है ना, 3 इज स्ट्रक्चरली लेस देन 5, सो p जो होगा 5 माइनस 1 यानी 3 जो होगा आपका 4 को डिवाइड नहीं करेगा, देयरफॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 जो होगा वो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज ग्रुप का ऑर्डर है 21, ये क्या है 3 × 7, अब आप इसको इसमें अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज दिस 3 डिवाइड 7 माइनस 1, ये तो कर रहा है डिवाइड, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस थियरम ऑन द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, ठीक है। अगर ये जो है P जो है Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करेगा, ओनली तभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक। सो प्रूफ देखो इसका, सो वी हैव अ ग्रुप हैविंग द ऑर्डर पी क्यू एंड पी इज लेस देन क्यू एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, ये बड़ा बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये याद रखो, ये ध्यान रखो, इसको स्किप नहीं करना। अब देखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पी एस एस जी, क्या होगा, ऑफकोर्स करेक्ट पी होगा, एंड सिमिलरली क्यू एस एस जी का ऑर्डर होगा हमारा क्यू होगा। से
दिस पी एस एस जी को मैं नाम दे रहा हूँ सपोज एच, एंड दिस क्यू एस एस जी को मैं नाम दे रहा हूँ सपोज के. नाउ नंबर ऑफ, देखो ये प्रूफ करना है, ऑफकोर्स सिलो थियोरम ही यूज करेंगे. नंबर ऑफ पी सिलो सब ग्रुप इन जी, इन दिस ग्रुप जी इज इक्वल टू वन प्लस पी के, वन प्लस पी के, एंड दिस वन प्लस पी के शुड डिवाइड दिस क्यू, है ना. ऑफकोर्स के इज इक्वल टू जीरो वन टू. अब दिस वन प्लस पी के क्या आएगा, तो एक तो भाई जो क्यू को डिवाइड करेगा, क्यू के डिवाइजर एक वन हो सकता है, और जो वन प्लस पी के, देखो पी इज स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू, तो हो सकता है ये आपका क्यू भी आ जाए. तो सपोज ये मैं ले रहा हूँ क्यू, ठीक है. बट वी हैव दिस वन केस. सपोज दिस वन प्लस पी के जो हो गया मेरा, सपोज क्यू हो गया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस पी के जो होगा क्यू माइनस वन होगा. तो ये कह रहा है भाई पी जो होगा क्यू माइनस वन को डिवाइड करेगा. बट गिवेन है पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, डियर फोर नंबर ऑफ पी एस एस सी इज ओनली वन, ठीक है. ये क्यू नहीं हो सकता, क्यू नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब मैं क्यू लेके चल रहा हूँ इसको, तो वो पी जो है क्यू माइनस वन को डिवाइड कर रहा है. बट गिवेन है पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, ठीक है. डियर फोर पी एस एस सी इज यूनिक, पी एस एस सी यूनिक आ रहा है. नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्यू एस एस जी इन ग्रुप जी इज इक्वल टू वन प्लस क्यू के, एंड दिस वन प्लस क्यू के शुड डिवाइड पी. सो वन प्लस क्यू के पी को डिवाइड करे, तो डिवाइजर क्या होंगे, ओनली वन एंड पी. बट क्यू जो है हमारा, क्यू जो है वो तो मेरा पी से भी बड़ा है, तो वन प्लस क्यू इन टू के करूंगा, वो ऑलवेज पी से बड़ा होगा अगर मैं के नॉन जीरो लूँ. सो देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी इज वन. तो Q जो होगा, नंबर ऑफ क्यू एस एस जी भी यूनिक हो रहा है. सो इन एनी केस पी एस एस जी एंड क्यू एस एस जी जो है दोनों यूनिक हो रहा है, ठीक है. यानी अगर मैं इसको पी एस एस जी को एच कह रहा हूँ और क्यू एस एस जी को के कह रहा हूँ, तो बोथ आर यूनिक. सो हियर एच एंड के आर यूनिक सब ग्रुप, देयर फोर एच एंड के बोथ आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. यूनिक होते हैं तो भाई नॉर्मल होते हैं, ठीक है. तो अभी दोनों नॉर्मल हो गए. अब ये तो हमें नहीं पता कि नॉर्मल होने से ही भाई ये इसके जो जी होगा साइक्लिक हो जाएगा, ये पता नहीं है ना. जी अबेलियन भी होगा ये नहीं बोलेंगे, अभी तो हमारे पास केवल यूनिक सब ग्रुप है. तो एच एंड के जो होगा वो नॉर्मल हो गए जी में. अब देखो अगर मैं ये शो कर दोनों नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, और ऑफकोर्स एक एच का ऑर्डर क्या है, एच का ऑर्डर है थ्री, है ना. पी एस एस जी एच है, तो एच का ऑर्डर है, चलो पी, यहाँ पे तो पी क्यू ले रहा हूँ. एच का ऑर्डर है पी एंड के का ऑर्डर है मेरा क्यू, और दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है. तो हम देख पा रहे हैं इंटरसेक्शन में, एच और के इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा. एंड जब मैं एच इंटू के का प्रोडक्ट करूँ, तो वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आएगा. इट मीन्स मैं जो है यहाँ पे आईडीपी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज कर सकता हूँ, ठीक है. इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज कर सकता हूँ, तो उसी से मैं कह दूंगा भाई ये जो होगा आपका साइक्लिक हो, क्योंकि हमें ये भी पता है एवरी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. तो ये जो है, ये एच जो है साइक्लिक ग्रुप पी का है, या ना के जो है साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर क्यू का होगा. तो इन दोनों का जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट होगा वो आपका जेड पी क्यू होगा, ठीक है. तो हमें बस इंटरनल प्रोडक्ट पहले दिखा दे, इंटरनल प्रोडक्ट, फिर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं भाई ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट होगा, ठीक है. या सिंपली हम कोई जी के एलिमेंट, जी का स्ट्रक्चर देख ले वो कैसा आ रहा है, और हम दिखा दे उसमें भाई कोई ऑर्डर, अगर ऑर्डर पी क्यू का कोई एलिमेंट जी में आ जाए, तो हम बोल देंगे आपका जो जी होगा वो साइक्लिक होगा. तो देखो, सो नंबर वन हियर इट इम्प्लाई एच एंड के आर द नॉर्मल. सो यहां से नंबर वन मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको जस्ट आईडीपी में ले जा रहा हूँ. नॉर्मल इन जी, बोथ आर नॉर्मल इन जी. सेकेंड हियर एच इंटरसेक्शन के हैव द ओनली आइडेंटिटी. वाई सो, क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर एच का ऑर्डर है पी, क्यू का ऑर्डर है,
सॉरी यहाँ पे रीजन लिखने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वी नो हियर ऑर्डर ऑफ एच इज पी एंड ऑर्डर ऑफ के इज क्यू एंड बोथ आर डिस्टिंक्ट. तो इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी आएगा. नाउ थर्ड, थर्ड इज जी इक्वल्स टू एच के. वाई सो? ये एच के जी का, एच के जो है वो क्यों इसके इक्वल होगा? बिकॉज जो ऑर्डर ऑफ एच के जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के. तो एच का ऑर्डर पी, क्यू के का ऑर्डर क्यू अपॉन वन विच इज पी क्यू विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. एंड ऑफकोर्स सिंस एच एंड के बोथ आर नॉर्मल इन जी, सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी. सो अब प्रोडक्ट ये इसका सब ग्रुप है और एलिमेंट सेम है, तो ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा, यानी इसके इक्वल हो जाएगा, यानी जी इक्वल टू एच, सॉरी इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा, है ना, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर जी इक्वल टू एच के. क्लियर? जी इक्वल टू एच के. तो जो जी इक्वल टू एच के है इट इज इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, बिकॉज इट फुलफिल ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एच एंड के, एंड एवरी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वन. सो जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच रिंग सम के, दिस इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के, इसके आइसोमॉर्फिक. ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, अगर ये आइसोमॉर्फिक है सो व्हाट इज एच? एच इज ऑर्डर पी का सब ग्रुप एंड के जो है ऑर्डर क्यू का सब ग्रुप, बोथ आर साइक्लिक. सो प्रोडक्ट ऑफ दोनों साइक्लिक जो भी सब ग्रुप है उसका जो ये है आपका ऑर्डर ऑफ एच पी ए ऑर्डर ऑफ के क्यू ए. तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ ये जो है आपका जो जी हो रहा है, जी जो है अबेलियन हो रहा है, जी इज अबेलियन बिकॉज दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू दिस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, एंड सिंस एच एंड के आर साइक्लिक. अब आप या तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो भाई एच जो है ऑर्डर पी का है और के जो है ऑर्डर क्यू का है और दोनों का जो जीसीडी है वो वन आ रहा है, तो जीसीडी वन आ रहा है तो ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो गया? साइक्लिक हो गया. देयरफॉर एच क्रॉस के जो होगा वो साइक्लिक हो जाएगा, हेंस जो जी होगा वो आपका साइक्लिक हो जाएगा. ठीक, एक तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं, अदरवाइज जस्ट सिंपली देखो एक्स सिंस ऑर्डर ऑफ एच जो है पी ए एंड ऑर्डर ऑफ के इज क्यू ए, सो अगर ऐसे है तो इसके पास एच के पास ऑर्डर एच के पास ऑर्डर पी का कोई एलिमेंट होगा एंड के पास ऑर्डर क्यू का कोई एलिमेंट होगा जो कि इनको जेनरेट कर रहे होंगे. एक्स मैं लिख रहा हूँ और ये मैं के लिख रहा हूँ, तो ये मैं वाई लिख रहा हूँ. ये लिखना और मैं कहूँ अगर ऑर्डर एक्स का ऑर्डर पी का कोई एक्स एलिमेंट है एच में या ऑर्डर क्यू का कोई वाई एलिमेंट है के में, तो एक ही बात. तो अब देखो एच यहाँ से तो हमें बोल दिया जी इज अबेलियन है, जी अबेलियन है, तो ये एलिमेंट जो है एक्स और वाई, और जब एक्स में एच से ले रहा हूँ वाई में के से ले रहा हूँ, तो ये जो एक्स इंटू वाई होगा, एक्स इंटू वाई होगा वो एच के से होगा विच इज इक्वल टू जी ना. तो एक्स वाई जो है मेरे जी का एलिमेंट है और जी अबेलियन है, ऑफकोर्स जी अबेलियन है, तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स भी हो रहा होगा. एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स जस्ट हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम्स और थियरम्स जो ग्रुप थ्योरी वन में, उसका यूज कर रहा हूँ मैं जस्ट. तो देखो अगर ये इसमें है तो ऑर्डर ऑफ ये क्या होता है? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ वाई. तीन प्रॉपर्टी होती है ना, एक तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, एक ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, तो और देन अगर ये दोनों ओल्ड हो रही है तो ये इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है. सो एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. सो ऑर्डर ऑफ दिस एक्स वाई एलिमेंट इन जी इज पी क्यू विच इज इक्वल टू जी. देयरफॉर जी इज साइक्लिक. ठीक है, तो यहाँ से जो हमने आगे प्रोसीड किया है, अब यहाँ पे डायरेक्ट एच और के जो साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर पी और क्यू के, क्रॉस के इज आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के इज वन, जीसीडी ऑफ को प्राइम ऑफकोर्स जीसीडी ऑफ
ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू वन अगर होता है तो वो साइक्लिक होता है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई जी जो होगा वो साइक्लिक होगा सिंपल, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे अबेलियन शो कर लिया है, बिकॉज यहाँ पे भी तो आप वो प्रॉपर्टी होल्ड करा ही रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, प्रोडक्ट ऑफ टू अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, देयरफॉर अगर ये अबेलियन हो गया तो हमें पता ही है ये ऐसे हैं, और यहाँ पे एक्स और वाई एलिमेंट इसमें बिकॉज बोथ आर साइक्लिक, एच और बी साइक्लिक है, एच और के जो है साइक्लिक है, तो वहाँ पे एक्स वाई है और एक्स इंटू वाई जो है जी पे बिलोंग कर रहा है और इसका ऑर्डर जो है मेरा ये आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या अदरवाइज आप डायरेक्ट वो जेड पी और जेड क्यू के आइसोमॉर्फिक दिखा के उसमें भी ले जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे मेथड है इसको करने के, ठीक। सो दियर फोर दियर फोर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 33 35 65 69 etc इस तरीके के दे ऑल आर साइकिल, ठीक है। हम इसको देख सकते हैं, ठीक, क्या होना चाहिए, पी क्यू है तो पी जो है अगर ऐसा है तो पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, ये ध्यान रखना है, आपका उस ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यू एंड दिस वन एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, देन द ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। तो इस टाइप के ग्रुप जो होंगे वो साइक्लिक होंगे। अगर आपको पास आता है भाई ग्रुप ऑर्डर 15 का ग्रुप है कोई, इसको साइक्लिक शो करना है, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट जहाँ पे मैंने ये रखा है पी पी वहाँ पे 3 रख दो और इसको 5 कर दो, ठीक, और सेम ऐसे प्रोसीड करो, ठीक है। और 15 ना गए वो 33 दे सकता है, वो भी ये तो 35 हो सकता है, कुछ और हो सकता है नंबर, कोई लार्ज नंबर भी हो सकता है, जस्ट देखो और आइडेंटिफाई करो उसको और सिलो थियरम यूज करो, एक जस्ट नोट लिख लो इसी में, आप कर लेना, ट्राई करना। अब ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यू आर है, ठीक है, अब 3 आ गए, 3 प्राइम प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम्स एंड ऑफ कोर्स हियर पी क्यू आर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट प्राइम एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू आर माइनस वन, यानी पी होगा तो क्यू आर माइनस वन, क्यू डज नॉट डिवाइड पी आर माइनस वन, ठीक है, एंड पी क्यू आर आर डज नॉट डिवाइड पी क्यू माइनस वन, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए तो हम कह सकते हैं भाई देन दिस जी इज साइक्लिक, ठीक है। जैसे हमने 2 के लिए प्रूफ किया है वैसे ही हमें पी एस एस जी क्यू एस एस जी आर एस एस जी करके करना है, और यहाँ पे ऑफकोर्स वो यूनिक दिखाने के लिए ये एक्स्ट्रा फीचर्स हमें गिवन होंगे, तो ये गिवन होंगे तो हम वो तीनों को यूनिक दिखाएंगे, फिर उसको एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ले जाएंगे, फिर बाद में हम इसको बोल देंगे ये साइक्लिक है, आपको करना है ये। देयरफॉर देखो एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3851001 दीज आर etc और भी इस टाइप के जो कि इसको होल्ड कर रहा हो आर साइक्लिक, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना घर पे, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है, जस्ट सिलो थ्योरम का यूज करके।